हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए ए माइनस टू, बी माइनस बी, बी माइनस टू। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या जाएगा हमारा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू बी। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, सॉरी हाँ माइनस टू ए माइनस टू बी, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, सॉरी टू, हाँ ठीक है, और ए माइनस बी, इससे टू कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अंदर, अंदर आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक, अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, ए माइनस बी, ए माइनस बी हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ए प्लस बी और माइनस टू, यानी कि हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस टू। ये हमारे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए ए माइनस वन माइनस बी, बी माइनस वन। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी। ठीक, अब क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग एक साथ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे माइनस कॉमन लिया हमारे अंदर बचा ए माइनस बी। ठीक, इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, a माइनस बी, तो a माइनस बी को हम लोगों ने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा a प्लस बी माइनस वन, यानी कि हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, a माइनस बी, a प्लस बी माइनस वन, ये हमारे फैक्टर्स हैं।